नमस्ते दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप सभी लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। ये जो घर का डिजाइन में अभी दिखा रहा हूं, इस घर का सभी काम हम लोगों ने किया है और इस घर का जो ऊपर में कलर सीट या टीना हमने लगाया है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है। और ये पूरा लकड़ी से हमने फ्रेम बनाया था, उसका बाद ही इसमें हमने कलर सीट फिटिंग किया है। उसको हमने कैसे फिटिंग किया है वो भी मेरे चैनल पे है दोस्तों। और जो ये खिड़की अभी दिखा रहा हूँ, खिड़की और चौखट का भी काम हम लोगों ने किया है। कैसा चौखट बनाया था, कैसा खिड़की बनाया था, पूरा वीडियो मेरे चैनल पे है। और इस घर का ऊपर में जो सीलिंग फिटिंग किया गया है, इस टाइप का जो सीलिंग है उसको भी लकड़ी से फ्रेम बना के ऐसा सीलिंग लगा सकते है दोस्तों। किसी भी सिंपल सीलिंग को अगर घर में फिटिंग करते हैं और इस टाइप का जो अभी लाइट को मैं दिखा रहा हूं, ऐसा अगर लाइट लगाएंगे तो फॉल सीलिंग जैसा बन जाता है। और ये जो सीलिंग है उसको भी मैं दिखा रहा हूं, ये भी पूरा लकड़ी से बनाया गया है दोस्तों। और इसका जो वीडियो है कुछ दिन पहले ही मैंने दिया है चैनल पे, उसको भी जाके देख सकते है कैसे हमने इसको फिटिंग किया है। और ये जो बोर्ड है इसमें फूल का डिजाइन बनाया गया है और इसमें बीच बीच में गोल्डन कलर का यूज किया है। और गोल्डन कलर का यूज करने पे जब रात में आप लाइट लगाएंगे तो इसका जो लुक्स है बहुत ही एकदम जबरदस्त लगता है दोस्तों। और इस बोर्ड का पूरा वीडियो मेरे चैनल पे दिया हुआ है, कितना प्राइस है, कितना में इसको आप लगा सकते है, पूरा डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन अभी इस वीडियो में ये सब नहीं बताऊंगा, वीडियो को मैं लंबा नहीं बनाऊंगा दोस्तों। देखिए ये जो सीलिंग है ये 4 फीट का भी मिलता है, 2 फीट का भी मिलता है। इसको ऐसे ही आपका मर्जी से आप लगा सकते हैं दोस्तों। और इस सीलिंग का जो फ्रेम हमने बनाया था पूरा लकड़ी से बनाया था दोस्तों, 3-2 साइज का जो लकड़ी है उससे ही हमने इसका फ्रेम फिटिंग किया है। देखिए ये अभी देखने में कैसा लग रहा है, बीट का जो कलर है उसको भी कर दिया है। और ये जो बोर्ड है इस बोर्ड का एकदम सेंटर में आप एक लाइट का फिटिंग कर सकते हैं, 4 कोना में 4 लाइट अगर फिटिंग करेंगे तो देखने में और भी एकदम अच्छा लगेगा दोस्तों। देखिए किसी को भी अगर कारपेंटर का काम को सीखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करके चैनल का जो वीडियो है उसको थोड़ा देख सकते है। और इस काम के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर मिलेगा मेरे इस चैनल का वीडियो को देख के। और इस काम के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और ये जो बोर्ड हमने फिटिंग किया है इसमें बीट को अगर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा दोस्तों, ऐसे भी फिटिंग कर सकते हैं, तभी आपको देखने में और भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर बीट को फिटिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत मजबूती बढ़ जाता है, इसलिए हमने इसमें पूरा बीट को फिटिंग कर दिया है। और ये जो बोर्ड है इसको लगाने के बाद इसमें आपको कलर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कलर कर ही नहीं सकते हैं और ऐसे ही दिखने में अच्छा लगता है। और ये जो सीलिंग का बोर्ड है बहुत टाइप का मिलता है, किसी भी कलर का मिलता है, आपके हिसाब से जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं अपना घर में। और इस सीलिंग में जो बोर्ड हमने यूज किया है उसका रेट इतना ज्यादा नहीं है, कोई भी इसको लगा सकते है दोस्तों। मार्केट में सीलिंग में लगाने के लिए बहुत टाइप का बोर्ड मिलता है, एसी बोर्ड, वी बोर्ड और प्लाई से भी कुछ लोग अपना सीलिंग को बनाते हैं और लकड़ी से भी बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है इसलिए लोग ऐसे बोर्ड को लगाते हैं दोस्तों। लकड़ी का फ्रेम बना के ऐसे बोर्ड को फिटिंग कर देते हैं। देखिए ये भी एक सीलिंग है, इसको भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये लंबा रूम में इसको देखने में अच्छा लगेगा। इस टाइप का जो सीलिंग है एकदम बड़ा रूम में आप इसको फिटिंग कर सकते हैं। देखिए और इस बोर्ड का जो लाइट को मैंने दिखाया है दोस्तों, ऐसे ही अगर लाइट आप किसी भी सीलिंग में लगाएंगे घर के कोने में इस टाइप से अगर लगाएंगे तो आपका जो बोर्ड है, आपका जो रूम है, उसका जो लुक्स है बहुत ही बढ़ जाता है। देखिए ऐसे अगर लाइटिंग कर देंगे अपना सीलिंग में तो आपका जो सीलिंग है बहुत ही एकदम दिखने में अच्छा लगता है। और ये जो लाइटिंग है इसको भी आप किसी भी कलर का घर में लगवा सकते हैं दोस्तों। देखिए और इस टाइप का जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन मैंने दिखाया है, ऐसे डिजाइन आप किसी भी बोर्ड में बना सकते हैं दोस्तों। लकड़ी का जो प्लाईवुड होता है उसमें भी आप ऐसे डिजाइन बना सकते हैं। और यही था कुछ जानकारी सीलिंग के बारे में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलेंगे दूसरे वीडियो में। वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को भी दबा के रखना, ऐसे ही
जानकारी का वीडियो आप लोगों को दोबारा मिलेगा इस चैनल में।